राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बाड़ेबंदी में शामिल हुए थे। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बाड़ेबंदी से अचानक सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से दिल्ली बुलाने की क्या बड़ी वजह है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां एक बार फिर बढ़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों की संख्या भी बढ़ती हुई जा रही है। शुक्रवार को बाड़ेबंदी में उदयपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बाड़ेबंदी में 2 घंटे ठहरने के बाद आज अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि सचिन पायलट के कार्यक्रम के बारे में बताने से उनके समर्थक विधायकों ने इनकार कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में नाराज चल रहे विधायकों को मनाने की रणनीति पर भी सचिन पायलट चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट को नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर पहुंचने पर सचिन पायलट ने 3 सीटें जीतने का वादा भी किया था, और ऐसे में सचिन पायलट को अब कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है, और सचिन पायलट के आगामी पद को लेकर सोनिया और सचिन पायलट के बीच चर्चा हो सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली में सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला सचिन पायलट को लेकर सामने आता है। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।